अगर हम बात करें तो दूसरे चरण के चुनाव को मात्र 9 दिन बचे हैं और प्रत्याशी पूरी तरह से मेहनत में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। अभी हम रायपुर ग्रामीण के प्रत्याशी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सत्यनारायण शर्मा जी के पुत्र जो हैं पंकज शर्मा जी के साथ यहां पर बैठे हैं। वो दतरेंगा गाँव में आए हुए हैं और लगातार जनसंपर्क उनका जारी है और अपने अंदाज में, क्योंकि वो पिछले कई सालों से सत्यनारायण शर्मा के चुनाव संचालक रहे हैं, घर के अपने क्षेत्र के सभी लोगों को अच्छे से जानते हैं। और आप एक पोस्टर पीछे देख रहे होंगे, ये आप सत्यनारायण शर्मा जी पूर्व विधायक हैं, वो हैं और उनके कंधे पर हाथ रखे हुए पंकज शर्मा हैं और किसी अंदाज में ही जो है वो प्रचार प्रसार यहाँ पर चल रहा है। पंकज शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस चुनाव की अगर बात करें तो मुद्दा क्या नज़र आ रहा है चुनाव का? देखिए, मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। ये चुनाव 5 साल की कांग्रेस और 15 साल की भाजपा का चुनाव है। 15 साल में भाजपा की झूठ की बातें, चाहे वो 270 रुपये बोनस की बात हो, चाहे 300 रुपये बोनस की बात हो, चाहे 2100 रुपये समर्थन मूल्य की बात हो, महिलाओं बहनों का राशन कार्ड बना के उसको काट दिया गया। और इन 5 सालों में कांग्रेस ने जो काम किए हैं, सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, 2500 रुपये समर्थन मूल्य जो दिया है, इस वर्ष 20 क्विंटल खरीदने के साथ किसानों को 64,000 रुपये प्रति एकड़ धान की कीमत मिलेगी, जो पूरे देश में 3 गुनी राशि है कहीं के नस्बत। उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में, जैसे आपने अभी एक बात कही थी कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी कॉलेज नहीं खुले थे और शिक्षा की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, आपके सरकार आने के बाद क्या क्या किया आप लोगों ने? देखिए, इन पहले के 5 साल पहले तक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं होता था। महाविद्यालय के लिए बिरगांव से लोग रायपुर आते थे, इन गाँवों की तरफ से लोग रायपुर जाते थे। सबसे पहले बिरगांव का कॉलेज खुला, फिर इसी वर्ष 2 और महाविद्यालय अमलीडी में और माना कैम्प में 2 विद्यालय महाविद्यालय और खुले हैं। इसके साथ साथ 6 आत्मनंद स्कूल खुले हैं। और जब से माननीय कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा की है कि सारे स्कूल आत्मनंद में बदल जाएंगे, हमारे गांव के सभी आदरणीय साथियों के चेहरों पे बहुत ही खुशी का भाव है। अच्छा, ये बताइए कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, आप पहले चुनाव संचालक रह गए, अभी आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं और कितना मिस यहाँ की जनता सत्यनारायण शर्मा जी को कर रही है? देखिए, सत्यनारायण शर्मा जी कर्म योद्धा है, वो कभी रिटायर होने वाले नहीं हैं। उस इस क्षेत्र से वो विधायक थे और लगातार मैं भी उनके साथ उनके सानिध्य में सेवा का काम लगातार करता था। इस क्षेत्र के हर संघर्ष में मैं सहभागी रहा हूँ। हर नवरात्र में और हर गुरु घासीदास जयंती में इस दतरेगा गांव में मैं लगातार आता रहा हूँ। तो लोग अभी सत्यनारायण शर्मा जी प्रचार कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अभी वो क्षेत्र घूम रहे हैं। और जैसा कि पहले की रायपुर ग्रामीण में एक पे एक फ्री की स्कीम थी, सत्यनारायण शर्मा जी विधायक थे, पंकज शर्मा सेवा का काम करता था, अगर मुझको आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सेवा का काम करूंगा, वो मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो ये थे पंकज शर्मा जी और इनका कहना है कि वो चेहरे से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आज भी सत्यनारायण शर्मा का जो आशीर्वाद उनके साथ में है। और रायपुर ग्रामीण में एक स्कीम चल रही थी, पहले भी एक के साथ एक फ्री था, यानी सत्यनारायण शर्मा विधायक थे और पंकज शर्मा उनका साथ देते थे, सक्रिय रहते थे, और अब भी यही रहेगा कि सत्यनारायण शर्मा का आशीर्वाद रहेगा और पंकज शर्मा उनके विधायक रहेंगे। अब आने वाले चुनाव में जितना प्यार जो सत्यनारायण शर्मा को मिलता था, क्या उतना प्यार पंकज शर्मा को मिलेगा नहीं मिलेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर लगातार वो गाँव का दौरा कर रहे हैं और इनका ये भी दावा है कि जितना विकास रायपुर के ग्रामीण इलाके में कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, 15 साल में उतना कार्यकाल नहीं हुआ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सुझाव जरूर दें। और आप देखते रहें IBC 24 का YouTube चैनल। और मुझे और मेरा कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे को दे इजाजत, नमस्कार।